नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग कैसे की जाती है। दोस्तों, स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग के लिए हमने नीचे की साइड बैक साइड वाला पार्ट बिछाया हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से आप देख रहे होंगे, और ऊपर की साइड हमने फ्रंट कटिंग करने के लिए ऐसे बिछाया हुआ है, और अपनी साइड ये हमने बंद रखा हुआ है और अपोजिट साइड हमने ओपन वाला एरिया रखा हुआ है इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा नाप के आइडिया दे देता हूँ, नाप हमारा क्या क्या है। देखो, जो हमारा ब्रेस्ट का नाप है वो होगा यहाँ पे 36 इंच, वेस्ट होगी हमारी यहाँ पे 32, और हिप का नाप होगा हमारा यहाँ पे 39। इस नाप के अकॉर्डिंग आज मैं आपको कटिंग बताने वाला हूँ। 36, 32 और 39 लेंथ आपकी कोई भी हो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। कुर्ती की कटिंग करेंगे हम स्लीवलेस की, क्योंकि अब गर्मियों का सीजन आ चुका है तो ज्यादातर डिमांड रहती है कि हमें स्लीवलेस कपड़े डालने हैं। तो स्लीवलेस की कैसे कटिंग की जाती है जिससे कि हमारा आर्महोल बिल्कुल बिल्कुल सही बैठे, कम ज्यादा ना हो। तो दोस्तों, 36 में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्लीवलेस कुर्ती होती है उसमें हम जो लूजिंग देते हैं 1 इंच की देते हैं, मतलब प्लस करेंगे यहाँ पे 1 इंच, तो बराबर हमारा 37 आएगा तैयार। और यहाँ पे आएगी हमारी, जैसे हम नॉर्मल 3 इंच की देते हैं तो 3 इंच की देंगे, तो यहाँ पे हमारा 32 और 3 35, तो ये आएगा हमारा 35। और हिप में देंगे 2 इंच की लूजिंग, तो ये आएगा हमारा यहाँ पे 41। ये नाप हमारा तैयार आने वाला है 41 35, और यहाँ पे 1 इंच, ध्यान रहे 1 इंच से ज्यादा आपने लूजिंग नहीं देनी है, 1 इंच की लूजिंग देनी होती है स्लीवलेस कुर्ती में ऊपर की साइड छाती में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, सीधा ऊपर की साइड ये लगा लेते हैं। अब बात आ जाती है यहाँ पे हमें आर्महोल कितना रखना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे नॉर्मल हम कुर्ती का जो आर्महोल रखते हैं वो हम 7 इंच तक रखते हैं, 7.75 इस तरीके से चलता है, 6.5। लेकिन जो स्लीवलेस कुर्ती होती है उसमें आपने 6 इंच का आर्महोल रखना है, यहाँ पे इस तरीके से 6 इंच पे निशान लगाना है, और बाकी के निशान हमारे सेम रहेंगे, कमर का 14.5 इंच पे या 15, और हिप का हमारा 21.5 से 22 इंच। तो इन निशानों को हम आगे तक ऐसे बढ़ा लेते हैं। इस तरीके से हमने आगे तक ये निशान बढ़ा लिए हैं। अब साइज जैसे हमारा यहाँ पे 37 है, तो 37 का हमने चौथा भाग निकाल देना है, तो हमारा 1.25 इंच आएगा यहाँ पे इस तरीके से। एक निशान हम यहाँ पे 2.5 इंच नीचे लगा लेंगे ऐसे, इस निशान का भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, इस तरीके से हमने ये निशान लगा लेना है। वेस्ट है हमारी 35, तो ये हमारा 0.75 इंच आएगा यहाँ पे, और हिप है हमारी 41, तो यहाँ पे हमारा 1.25 इंच आएगा। सबसे पहले इस निशान से इस निशान को ऐसे जोड़ेंगे, फिर इस निशान से हम इस निशान को ऐसे नहीं जोड़ते, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारा जितना भी नाप होता है, जैसे ये हमने यहाँ पे रखा है, ये हमारा आया है यहाँ पे 1.75 इंच, तो हम यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। कहने का मतलब जो हमारा यहाँ पे साइज होगा उससे हमारा यहाँ पे 1 इंच ज्यादा आएगा। ये हमने रखा है यहाँ पे 9.5 इंच, और ये रखा है 1.25 इंच, 1.75 और 9.5। अब हम इस निशान से इस निशान को जोड़ेंगे, और यहाँ पे इस तरीके से गोलाई देते हुए, हल्की सी गोलाई देते हुए ऐसे हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो ये ध्यान रखना है अपनी स्लीवलेस कुर्ती में, इस तरीके से कटिंग की जाती है, इस तरीके से यहाँ पे जब हमारी सिलाई आएगी तो ये परफेक्ट आएगा यहाँ पे नाप। यहाँ पे कोई आपका फुग वगैरह नहीं पड़ेगा, झोल वगैरह नहीं आएगा आर्महोल में। अगर हम यहाँ पे 3 इंच की लूजिंग दे देते हैं तो यहाँ से हमारा ये लूज हो जाएगा, मतलब आर्महोल यहाँ पे आपका सही नहीं बैठेगा, पूरी फिटिंग अच्छे से नहीं आएगी। तो ये एक ये चीज ध्यान रखनी है। अब मेन आ जाते हैं हम यहाँ पे दूसरी पॉइंट पे, जो हम शोल्डर रखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे गले का निशान लगा लेते हैं। जैसे हमारा गला कोई भी हो आपका, यहाँ पे स्लीवलेस में कोई मैटर नहीं करता, आपका साइज कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रॉड लेंथ रखी है हमने वही 6 इंच, और जो हम शोल्डर कटिंग कर रहे हैं, शोल्डर आपने डिपेंड करता है पहनने वाले के ऊपर, कहीं छोटी स्टेप डालते हैं कहीं थोड़ी बड़ी डालते हैं, तो उस चीज का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। गहराई का विशेष ध्यान रखना है, गहराई कैसे दी जाती है। सपोज करो हम यहाँ पे जो शोल्डर कटिंग कर रहे हैं वो 13 इंच कटिंग कर रहे हैं, 13 इंच, तो
तो हमने लगाया है 6.5 इंच पे निशान। तो नीचे की साइड भी हम यहां पे 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे। अब हम इस निशान को सीधा ऐसे लगा लेते हैं इस तरीके से। अब आपने देखा होगा जो हम जिसमें स्लीव्स अटैच करते हैं नेक लाइन में, तो उसमें हम इस तरीके से अंदर की साइड 0.25 इंच ले लेते हैं या 0.5 इंच ले लेते हैं। इसमें आपने वो काम नहीं करना है। इसमें सिंपल सा तरीका है, आपने यहां पे ऊपर से तकरीबन 2.5 इंच लेना है ऐसे, और यहीं से आपने स्टार्ट कर देनी है गोलाई, और गोलाई भी आपकी यहां पे पड़ी हुई होनी चाहिए ना कि खड़ी ऐसे, ये वाली गोलाई आएगी। आप एक गोलाई आती है ये वाली, ये गोलाई बिल्कुल भी नहीं देनी है आपने यहां पे स्लीवलेस में, पड़ी हुई गोलाई देनी है, ये ध्यान रखें। जितना साइज हमारा इधर का होता है हमने तकरीबन ऊपर 2.5 इंच लेना है और इस तरीके से यहां पे गोलाई डाल देनी है। तो ये फ्रंट साइड की गोलाई है। अब हमें बैक साइड की गोलाई देनी है, तो इसी निशान से हम बाहर की साइड यहां पे लेंगे 1.25 इंच। तो यहां पे भी हम इसको ऐसे जोड़ लेंगे, और यहां से भी हम पड़ी गोलाई देंगे, यहां पे भी खड़ी गोलाई नहीं देनी है इस तरीके वाली। ये हमारी यहां पे हम थोड़ा नजदीक से देखेंगे, फिर से मैं आपको समझा दूं। जो हमारी ये गोलाई होती है ये डिपेंड करती है हमारी फिटिंग के ऊपर। अगर हम यहां पे खड़ी गोलाई देंगे तो यहां पे क्या होगा कि हमारी स्किन नजर आएगी जो कि भद्दी लगती है बहुत ज्यादा। स्लीवलेस कुर्ती में कभी भी यहां से स्किन नजर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए, परफेक्ट आर्म होल हमारा यहां पे बैठना चाहिए। इस तरीके की हमें यहां पे कटिंग करनी होती है। तो ये दोस्तों परफेक्ट कटिंग है। अगर आप स्लीवलेस कुर्ती बनाना चाहते हो तो एक बार ये वाला ये फार्मूला ट्राई करोगे तो आप खुद ही मानोगे कि कोई फार्मूला हमने आपको समझाया है। ये ध्यान रखें यहां पे जितनी लूजिंग हमने यहां पे जैसे 1 इंच की दी है, 2.5 इंच नीचे हमें 2 इंच की लूजिंग देनी होती है। जैसे मैंने यहां पे रखा है 1.25 इंच और यहां पे रखा है 9.5 इंच, 2.5 इंच नीचे। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो कि हमें स्लीवलेस कुर्ती में ध्यान रखनी होती है। तो दोस्तों अब हमें यहां पे शोल्डर डाउन करने हैं सिर्फ 0.5 इंच ऐसे इस तरीके से। तो ऊपर के हमने सभी निशान अपने कर लिए हैं कंप्लीट। नीचे जो आपका घेर का निशान है, चौक का निशान है, ये आप जैसे मर्जी कटिंग कर सकते हो। कहने का मतलब है आप घेर ज्यादा कम रखना चाहते हो तो यहाँ पे कम ज्यादा रख सकते हो, सिंपल सा ये तरीका होता है। तो 0.5 इंच बैक साइड हम बड़ी कटिंग करते हैं ऐसे, कटिंग करनी होती है ऐसे, और यहां पे बैक वाले पार्ट पे कटिंग करेंगे पहले। तो ये देखिए हमने बैक वाले पार्ट पे कटिंग कर दी है। अब नीचे की बैक साइड नीचे छोड़ देनी है और यहां पे फ्रंट के ऊपर जो निशान है उनके ऊपर कटिंग करना है इस तरीके से। तो ये देखिए हमने फ्रंट और बैक में कितना यहां पे फर्क डाला है, और ये परफेक्ट कटिंग है दोस्तों। आगे की साइड हमारी नॉर्मल कटिंग रहेगी बाहर वाले निशान के ऊपर। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहां पे आपको बहुत ही आसान तरीके से स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग बताई है। ऐसे अगर आप कटिंग करोगे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।